बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान की फिल्म भारत ईद के मौके पर रिलीज होने को बिल्कुल तैयार है। भारत फिल्म को रिलीज होने में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन दोस्तों इसी बीच भारत फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी मिली है। जी आपको बताना चाहेंगे, भारत फिल्म का क्लाइमेक्स काफी ज्यादा धमाकेदार साबित होने वाला है और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट करने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का सेट बर्बाद कर दिया गया है और माना जा रहा है ये भारत फिल्म का बहुत बड़ा सीन होने वाला है। इसी के साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे, भारत फिल्म को सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा, यानी पूरे देश भर में सलमान खान की ये फिल्म तहलका मचाती हुई नजर आएगी और ईद पर एक बड़े धमाके जैसा साबित होगी। रिश्तनी के बाद सलमान खान भारत फिल्म से काफी आस लगाए बैठे हैं और हो सकता है उनकी ये आस बड़ी कामयाबी में पूरी हो, क्योंकि सलमान खान एक लंबे समय से एक बड़ी हिट की तलाश में है और जब भारत फिल्म का पहला टीजर रिलीज हुआ था तो टीजर का लोगों ने जिस हिसाब से रिएक्शन दिया है उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि भारत फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी। इसी के साथ ही भारत फिल्म की अगर कहानी की तरफ आ जाए तो भारत फिल्म की कहानी में सलमान खान एक भारत नाम के लड़के के किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म की कहानी सन 47 से शुरू होकर साल 2010 तक खत्म होगी और इस दौरान जो सलमान खान के साथ घटता है वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा। इसी के साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे, सलमान खान के अपोजिट इस फिल्म में कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर, आसिफ शेख, जैकी श्रॉफ जैसे इंटरेस्टिंग कलाकार हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। जैकी श्रॉफ इस फिल्म में सलमान खान के पिता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।